सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है। यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे कि लिस्प कमांड क्या होती है, किस तरीके से आप लिस्प कमांड की हेल्प से ऑटोकैड की वर्किंग को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जो बेसिक कमांड है वो उसी तरीके से यूज होती है, बट लिस्प के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग है, कुछ इस तरीके की कमांड है जिसकी हेल्प से आपका वर्क थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उसे ही हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोड करवाते हैं, तो प्रोसेस के थ्रू देखते हैं हम किस तरीके से लिस्ट कमांड को यूज करते हैं, देन लोड करवाते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, और फ्यूचर में यूज होने वाला है लिस्ट कमांड का, तो जरूर देखिए वीडियो को लास्ट तक। सो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है हम लिस्ट कमांड कहाँ से लें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट कमांड का पूरा बंच मिल जाएगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देन फिर बात आती है हम इसे यूज कैसे करें, इसे लोड कैसे करें। सो आपको सबसे पहले कमांड पुट करना है एप लोड, ठीक है। ऐप लोड पे जब आप जाते हैं तो जहां पर भी आपकी लिस्ट कमांड की फाइल रखी है, इसी तरीके की फाइल आपको दिख जाएगी। ये आपका लिस्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये सभी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको भी आपको यूज करना है। जैसे मुझे न्यू लिस्ट में से ये यूज करना है आर्क टू एरो, या फिर मुझे ये यूज करना है टोटल लेंथ यूज करना है, मैंने किया यहाँ से लोड, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई अनदर ओल्ड लेयर यूज करना है लोड, तो ये बोलता है हमें लोड कैसे होगा, ऑलवेज लोड हम कर देते हैं। तो जब तक ऑटोकैड ये सेम इंस्टॉल रहेगा तब तक आपको ये दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं है। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो LPL यहाँ पे लिखा हुआ है, रेक्ट REC डिम लिखा हुआ है, S2 लिखा हुआ है, DPLA लिखा हुआ है, तो ये सारी वहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने यहाँ पर लोड करवा दिया, देन सम को मैं और लोड कर देता हूँ, तो ये भी लोड हो गया। सिर्फ इतना प्रोसेस आपको करना है, यहाँ से आपको पाथ मिल जाएगा, यहाँ से आपको लोड करना है, ओके क्लोज, ऑलवेज लोड कर देना। देन अब मैं चाहता हूँ मेरा ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल आ रहा है ना, इसका लेंथ अभी हमें दिख रहा है यहाँ पे 30, 30, 60 एंड 35, 35 आपका ये हो जाएगा, तो 70 और 60, 130 हो गया। बट अगर यही चीज़ काफ़ी बड़े साइज में हो तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो अभी मैंने आपको बताया कमांड ऐप लोड के अंदर टोटल लेंथ LPL, ये आपको बेसिक कैड में नहीं मिलेगा, LPL, ओके। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा एंटर, अभी आपसे पूछेगा कहां पर आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट जो इसका टोटल लेंथ है, क्लिक, तो आप देखेंगे टोटल लेंथ आपका 130 आ गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए 30, 30, 60 एंड 35, 35, 70, 70 प्लस 60, 130, तो कितना भी बड़ा लेंथ हो चाहे आपके पास, यहां पर आप लेंथ बना दीजिए रेंडम। अब हमें नहीं पता इसका लेंथ कितना है, अलग अलग साइजेस है, हम कंप्लीट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और LPL, ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये 208 का लाइन है टोटल ओवरऑल, चाहे आप लाइन लीजिए चाहे पॉली लाइन लीजिए, कैलकुलेट करके आपको इजी वे में प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम अपलोड पे ही जाते हैं और यहाँ पर हम किसी का सम करके देखते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, कोई टेबल जनरेट किया और लास्ट में आपको कॉस्ट का सम या फिर नंबर्स का सम करना है, तो यहाँ पर आता है सम नंबर S2, कैड में आपको नहीं मिलेगा बट यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, और इसी तरीके से 20 और टर्म्स होती है या वर्ड्स होते हैं हमारे पास, नंबर्स होते हैं, तो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, एक एक को हम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करते, बट यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, देन प्रेस करते हैं S2, ओके। ये आपसे पूछता है आपका कैलकुलेशन हो गया, अब कहाँ पे आपको इसे पेस्ट करवाना है, तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट का डैश लगा के रखा हुआ है, जैसे मैं क्लिक करूँगा 83 इसका सम आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हैं 10, 10, 10, 10, 50, 60, 70, 17 और 6, 76 and 7, 80. तो इस तरीके से आप लिस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ऑटोकैड में जितनी कमांड है, 1000 ऑफ कमांड है, उसके अंदर से भी ऑटोकैड के अंदर 20-30 कमांड्स ही यूज होती है, जैसे आपका मॉडिफाई टूल्स ऑल यूज होते हैं, लेयर प्रॉपर्टी प्रिंट प्लॉट सेटिंग एंड ब्लॉक में बेसिकली यूज होता है। बट अगर आप कैड के अंदर थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहते हैं, आपको सम की भी जरूरत पड़ती है, तो अब आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, ये आपके वर्क को थोड़ा बेटर बनाएगा। सो इसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड देन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा आप चाहते हैं अगर हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना, जो कि बेसिक टू एडवांस रहता है, जिसके अंदर कंप्लीट बेसिक कमांड सारी करवाई जाती है, और इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाता है, जो इंडस्ट्री लेवल का काम होता है, किस तरीके से प्लान बनता है, देन कॉलम लेआउट, स्ट्रक्चर डिटेल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एंड देन उसके बाद जो इंडस्ट्री में यूज होता है कैड के अंदर, वो सब वर्क किस तरीके से होता है, CTPs किस तरीके से यूज की जाती है, तो जो बेसिक्स है और जो एडवांस तक का वर्क होता है जो इंडस्ट्री कर रही है आज के टाइम में, वो चीज़ें हम हमारी लाइव ट्रेनिंग में कवर करते हैं। वीडियोज़ आपके पास डेमो वीडियोज़ अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं।
सो अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।